Good morning, students. 4th class 12, subject geography, chapter 2, the world population distribution density and growth. Students, इससे पहले जो है हमने distribution and density को जो है समझा था, आज हम समझ रहे हैं population growth. तो what is the growth? Growth means change of population, यानी population number में change होना. In particular, it means change of population in particular area between two points of time. यानी दो समय बिंदुओं के बीच में एक विशेष एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या में जो अंतर होता है वो population growth कहलाता है. Change may be positive and negative. Positive means increasing the population. Negative means decreasing the population. For example, if we saw here the census of 2001. The India population was 102.70 crore and the census 2011, India population was 121.02 crore. And the difference between 18.15 crore, this is the actual number. Here is the 2001 is the period 1 and 2011 is the time period number 2. It means difference between 2001 and 2011. The next is growth rate. Growth rate is represented by percentage. Next is NGP. NGP is the natural growth of population, in which we don't count the migration. We count only births and deaths in a particular region between two points of time. नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में केवल हम बर्थ और डेथ को काउंट करते हैं, इसमें हम माइग्रेशन को काउंट नहीं करते. नेगेटिव ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ शो बाय द बर्थ माइनस डेथ, यानी पैदा होने वालों की संख्या में से डेथ मरने वालों की संख्या को जो माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो हमारी जो नेचुरल ग्रोथ आती है. एजीपी, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसमें स्टूडेंट्स हम जो है एक माइग्रेशन को काउंट करते हैं, यानी बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीनों को इसमें रखा जाता है. इन माइग्रेशन को हम ऐड कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन में और आउट माइग्रेशन को हम इसमें से माइनस कर देते हैं. नेक्स्ट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, यानी जब बर्थ रेट डेथ रेट से हाई होता है तो हमारी पॉपुलेशन जो है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है. नेक्स्ट इज एनजीपी, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग होना, माइनस होना. पॉपुलेशन डिक्रीजिंग बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इन विच बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट. इसमें क्या है, डेथ रेट से बर्थ रेट जो है कम होता है. देर इज द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज. यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज के तीन कंपोनेंट्स है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. इनके थ्रू जो है हम पॉपुलेशन चेंज को शो करते हैं. बर्थ इट मीन्स सीबीआर. द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआर इज क्रूड बर्थ रेट. बर्थ मीन्स नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक साल में 1000 व्यक्तियों पर पैदा होने वालों की संख्या. इट इज कैलकुलेटेड एज सीबीआर इज इक्वल टू बीआई अपॉन पी इनटू 1000. 1000 व्यक्तियों पर जो है इसकी संख्या निकाली जाती है. बीआई मीन्स लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, पी मीडियन पॉपुलेशन ऑफ द एरिया. नेक्स्ट इज द सीडीआर. सीडीआर मीन्स क्रूड डेथ रेट. इट मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, यानी 1000 लोगों पर एक साल में मरने वाले लोगों की संख्या. इट इज कैलकुलेटेड एज सीडीआर इज इक्वल टू डी अपॉन पी इंटू 1000. डी मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स, पी मीन्स मीडियन पॉपुलेशन ऑफ द दैट ईयर, कि एक साल में मरने वालों की संख्या. द नेक्स्ट थर्ड components is migration. Migration, it means people move from one place to another place. One place to another place. There is the two fact, the place of origin and place of destination. Origin means the place they move from. वो स्थान जहाँ से लोग जाते हैं, we call the place of origin.
प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस दे मूव इन, जिस स्थान पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर वो चले गए, इट इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. हेयर इज द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, सो दिस इज द पुल फैक्टर फॉर पॉपुलेशन. एंड प्लेस ऑफ ओरिजन इज द पुश फैक्टर फॉर पॉपुलेशन. हेयर इज द पॉपुलेशन डिक्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका इज द डेस्टिनेशन फॉर आवर एंड, और हम जहां से गए हैं इंडिया, तो इंडिया इज द ओरिजिन प्लेस. तो इंडिया में पॉपुलेशन कम हुई, वो हमारा जो ओरिजिन प्लेस होगा, और डेस्टिनेशन प्लेस वो होगा जहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई. यानी यहाँ पे अमेरिका हमारा डेस्टिनेशन प्लेस है और इंडिया जो है हमारा ओरिजिन प्लेस है. ओके स्टूडेंट्स, टुमारो विल बी डिस्कस द टॉपिक फुल माइग्रेशन.